नमस्कार, मुँ श्री संजय कुमार दास, ओडिशा कटक रु कहूँ। आज ग्राविटेशनल फोर्स उपरे जो जो क्वेश्चन गुड़ाक परीक्षा पड़े से गुड़ा टी डिस्कशन हवा टी आगे बुझ कथा। ग्राविटेशनल फोर्स दु प्रकार अच्छे, गोटे हूँ स्मॉल जी, गोटे हूँ कैपिटल जी। ग्राविटेशन रु आसी जीटा, तेना स्मॉल जीटा ग्राविटेशन किए ना आम पृथ्वी रे जो माध्याकर्षण शक्ति अच्छी जी कि सब वस्तु को ता केन्द्र आड़ को टाणुची, यहाँ हूँ स्मॉल जी, यहाँ हूँ पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति, क्लियर हम कथा। आ गए हूँ कैपिटल जी। कैपिटल जी टा कौन ना दीटा सेलेस्टियल बॉडी भितर, मन कर सूर्य चारिपटे ग्रह मान बुल्चनी, ग्रह मान से सूर्य चारिपटे कहीं बुल्चनी, सी आड़े पलि जाऊना, तेना सूर्य चारिपटे बुलवार उद्देश्य हूँ सूर्यंकर गोटे आकर्षण शक्ति अच्छी, से पृथ्वीर बा पृथ्वीर केन्द्र उपर जो सेंट्रीपेटाल फोर्स हाँ से पकाए, ये मैंने समस्ते कौन करती चारिपटे बुलती बुझी हाँ। ये क्वेश्चन थी आम भी क्वेश्चन को आसवा जो ह्विच अफ दि फलोईंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भितर कौटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट अच्छी बुझी। नंबर डी को आस ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट अच्छी कौन हो ना, इफ द लिफ्ट इज मुविंग टुवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन, सॉरी अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन, तो मैंने से सीधा कथाटा कहूँ लिफ्टा ऊपर को उठू गोटे एक्सेलरेशन रे। एक्सेलरेशन मैंने कौन दि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन बा त्वरण बुझी। जो पॉजिटिव थाए त्वरण कह जाए, जो नेगेटिव थाए रिट्रार्डेशन मंदन बोलिक कह जाए, नेगेटिव जो था बुझी तेनाली एक्सेलरेशन। तम लिफ्टा जो गोटे एक्सेलरेशन रे अपवर्ड मुवमेंट हो सतम से कहूँ क्वेश्चन था दि वर्चुआल वेट ऑफ ए बॉडी इज लेस देन इट्स एक्चुअल वेट। अरे बॉडीटा जितेबाला ऊपर को जीव से माध्याकर्षण शक्ति विपरीत दिगरे जीव, तेनाली जो माध्याकर्षण शक्ति विपरीत दिगरे जीव से वेट ऑफ दि बॉडीटा मोर हो एक्चुअल वेट ठार कौटा वर्चुआल वेट ऑफ दि बॉडीटा एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी ठार मोर हो स्टेटमेंटा भूल अच्छी। आगे जो ऊपर स्टेटमेंट खाली टेट पढ़ा देख दि ग्राविटेशन एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन दि फर्म सेप एंड मास ऑफ दि बॉडी, मन रख मास फर्म सेप उपर ग्राविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन टा डिपेंड करे नी। ग्राविटेशनल एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट दि पोल, एक मन रख हाँ जे ग्राविटेशनल एक्सेलरेशन टा होची पोल रे मैक्सिमम आ ग्राविटेशनल एक्सेलरेशन टा होची मिनिमम एट दि इक्वेटर, आगे डिस्कशन होगा ए विषय। नंबर टू एसआई यूनिवर्सल ग्राविटेशनल कन्स्टांट इज, आगे एसआई मानटा बुझ एसआई होची सिस्टम इंटरनेशनल, तमें आम इंटरनेशनल लेवल रे जो जो माप कर जो सब प्रणाली अच्छी ताको आम कौन कौ एसआई बात फुल फॉर्म टा मन रख परीक्षा पड़े सिस्टम इंटरनेशनल बुझी। क्वेश्चन कौन एसआई ऑफ यूनिवर्सल ग्राविटेशनल कांस्टेंट, मुझे तुमको कही आसली जो सेलेस्टियल बॉडी भितर जो आकर्षण शक्ति अच्छी आम बड़ जी बोली कहू से कहूँ द आट्राक्शन बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडीज बुझी। से क्वेश्चन कौन एसआई ऑफ यूनिवर्सल ग्राविटेशन कांस्टेंट इज, आगे मन रख कथा ठीक रे फर्मुलाटा को जे एफ एफ मैंने फोर्स ये प्रोपोर्शनल टू जी एम वन एम टू होल डिवाइडेड बाय आर वन आर टू बुझी। तो कथा बुझा एफ किए जी किए एम किए, एफ हूँ फोर्स, एफ्टा हूँ फोर्स जी, ये जीटा देचे जीटा हूँ कौन आम ग्राविटेशनल कांस्टेंट। एम वन एम टू दीटा सेलेस्टियल बॉडी कथा भितर जो आकर्षण भेली कथा उठे दीटा सेलेस्टियल बॉडी भितर तेरे गोटाकर वस्तुत्व हूँ एम वन वस्तुत्व, एम वन मैंने मास ऑफ दि बॉडी, एम टू हेटा हूँ आउ गोटाकर वस्तुत्व, तमें एफ्टा जो प्रोपोर्शनल टू क्या सागर अच्छी ना जी एम वन एम टू बुझे एम वन एम टू बै आर वन इंटू आर टू, तमें आर वन हूँ गोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्टर बॉडी रेडियसटा, आर टू टा किए ना आउ गोटे जो सेलेस्टियल जो जिन आकर्षण बल बा ग्राविटेशनल कांस्टेंट भितर यूनिवर्सल ग्राविटेशनल कांस्टेंट भितर आम डिस्कशन होटा बॉडी जनकर थी रेडियसटा आर वन आउ जनकर रेडियसटा थी आर टू, फर्मुला आसीगला। तो बर्तमान कथा हूँ आंसर ऑप्शन कौटा ना आंसर ऑप्शन तो आम रही ये जो बीटा मन रखा कौटू आसा मुझे तुम कहीदी ये जो फोर्स ना तुम ये आम किसी क्वेश्चन मागे कौन जी कथा मागे तम इक्वेशन को आम आसवा जी इज इक्वल टू आर वन आर टू टाक आर पट को ऊपर को नहीं जावा
तमने एफ इंटू आर वन इंटू आर टू होल डिवाइडेड बाय एम वन एम टू तेल आसीगला एम वन इंटू एम टू तो आम जो जीटा दरकार फोर्स आसली कथा को नहीं कि जीटा कथा कहूँ तो मैंने फोर्सटा हूँ न्यूटन बुझी आर ओन आर टू यहाँ कौन थी मीटर थी आर ओन टाइम गोटे डिस्टास्टा राडियसटा आर टू टा गोटे डिस्टास्टा तो मैंने न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास जो एम ओन एम टू कौन दीटा सेलेटा मस वस्तु तो आम कमी कौन करूँ के जि मैंने एम ओन हूँ गोटे के जि एम टू टा भी हूँ के जि मैंने बै के जि स्क्वायर तो मैंने आंसर अशन तो कौन होता ना न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के जि टू टी वायर माइनस टू के जिटा तले थी स्क्वायर है कि ऊपर आसने के जिटा कौन हो माइनस टू हो बुझीगला तब आसवा तीन नंबर ह्वाट इज द भैल्यू अफ दि ग्राविटेशनल कन्स्टांट मन रखी कथा टाक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये ग्राविटेशनल कन्स्टांट रैल्यू के डी आंसर टा अच्छी अप्सन डी जे 6.6734 इंटू 10 टू दि पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जि स्क्वायर कथाटा को बुझे ये आउ गोटे कथा मन रख ये भैल्यूटा को कावेंडिश बोलिक जो साइंटिस्ट बाहर करते ना कौन मन रखिए ठीक है कावेंडिश नाम जो साइंटिस्ट आपको बाहर करते जा नंबर फोर दि फोर्स ऑफ ग्राविटी बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स जो कथा तुमको कहीकि आसली सेलेस्टियल बॉडी कथा सब गुड़ा क्वेश्चन गुड़ाक सब अच्छी ग्राविटेशन बुझीपार्च जो परीक्षा में पढ़े पिला भूल भाल मारदे आस दि फोर्स ऑफ ग्राविटी बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स तुम ये सेलेस्टियल बॉडी कथा कहला जो ग्रह नक्षत्र ये सब गुड़ा सेलेस्टियल बॉडी डज नॉट डिपेंड अपन ये क्या चारिटा ऑप्शन दिखाई ये क्या निर्भर कै ना क्वेश्चन टाक बुझ आंसर टा हूँ सम ऑफ देयर मासेस बुझी जोटा डी ऑप्शन में अच्छी देखे दिए ऑप्शन टा डिस्टेंस बिटवीन देम तुमको कहीं आस डिस्कशन में डिस्टेंस बिटवीन देम टा दरकार प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस आम डिस्कशन होम ओन एन टू एन टू एम टू दरकार ग्राविटेशनल कांस्टेंट बड़ जीटा थिला सेटा रिक्वायरमेंट थिला किंतु एटा हमर रिक्वायरमेंट नथिला कोनटा ना सम ऑफ देयर मासेस सो दिस इज द आंसर ऑप्शन सो तबरे सिया नंबर 5 द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन बट डज नॉट डिपेंड ऑन ये कहाँ ऊपर डिपेंड करे ना कथा आगे बुझ दि भैल्यू अफ एक्सीलरेशन कही आसी दि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सीलरेशन किंतु ये कहूँ ग्राविटी जो एक्सीलरेशन टा हुए गोटे वस्तु पृथ्वीर पाखक पाखक जिते आस ग्राविटेशनल फोर्सटा तापर से अधिका बढ़ जिते दूर थी पृथ्वी उपर पृष्ठ दूर को नहीं तार ग्राविटेशनल फोर्सटा से वस्तु कम थी क्वेश्चन हूँ कौन दि भैल्यू अफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी ग्राविटी द्वारा जो एक्सीलरेशन आसे ये डज नॉट डिपेंड ऑन ये कहाँ ऊपर डिपेंड करनी ये देख बी जो ऑप्शन टा अच्छी दि मास ऑफ दि ऑब्जेक्ट फॉलिंग बिलो बुझी होची ये जो ऑब्जेक्ट टा जो तल को खसुची ता मास ऊपर ता वस्तुत्व ऊपर डिपेंड करनी कहाँ ऊपर डिपेंड करे कांस्टेंट ऑफ ग्राविटी कहली तुमको रेडियस ऑफ दि अर्थ ऊपर डिपेंड करे कहली अर्थ मास कथा निहाइला मास ऑफ दि बॉडी ता माने दि मास ऑफ दि ऑब्जेक्ट फॉलिंग बिलो ता ऊपर से डिपेंड करे नहीं तनु बीटा होची राइट आंसर डाउन के तमन लिखिबो जे स्मॉल जी टा इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एन होची मास ऑफ दि अर्थ कैपिटल जी ता मु कहली हे कोटा आम जो सेलेस्टियल बॉडी भितर जो अट्रैक्शन रोच जो फोर्स टाइम करपर होल डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर आर ई हूँ रेडियस ऑफ दि अर्थ तार स्क्वायर बुझेगा दादा मन रखा कथा गुड़ाक बुझी हाँ यहाँ हूँ आर ई मान कौन रेडियस स्क्वायर टा बुझी क्या रेडियस अर्थ रेडियस टाइम आसवा नंबर 6 दि वेट ऑन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम बॉडीर वेट टा कौटी मैक्सिमम मन रख पोल रे होची मैक्सिमम गोटे कथा मन रख पृथ्वी मानचित्र पृथ्वीटा को गोल टाक मन पका पृथ्वीटा गोल हाँ पृथ्वीटा गोल गोटे देख पृथ्वीटा गोल तार गोटे सेन्टर पॉइंट टाक देख सेन्टर पॉइंट रू इक्वेटर जो टाणी चेप्टा होता है पृथ्वीटा हाँ जो इक्वेटर रू आम इक्वेटर टाक टाणीबा पृथ्वीर व्यासार्ध जोटा हम भाव ये अधिक दूरतार रु जो वस्तुटा पोल उपरे अच्छी तर मुझे कहता जो वस्तुटा पोल उपरे अच्छी पोल उपरे रे कम डिस्टास रेप्टा होती अच्छे आम अर्थटा
इक्वेटर इक्वेटर ऊपर रहिले अधिका डिस्टेंस रहिबो डिस्टेंस जते अधिका हबो ग्राविटेशन सते कम हबो डिस्टेंस जते माने डिस्टेंस ता जते कम हबो तापर ग्राविटेशन ता अधिका पड़िबो ता माने पोल टाक जिबा गुटे वस्तु को ओजन करिबा पुनी इक्वेटर को आसीबा गुटे वस्तु को ओजन करिबा दीटा सारा वस्तु रो मास उभय जगह रे समान वस्तु तदान समान किंतु ग्राविटेशन रो आकर्षण हबो कोड इक्वेटर रे ग्राविटेशन ता कम पड़िबो पोल रे कण हबो बेसी पड़िबो तामने कण हबो पोल रे जिंस रा ओजन कण हबो अधिका हबो इक्वेटर रे ओजन ता कण हबो कम हबो तामने सिक्स रे अमेरिका को कहिथिले दी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम आर दी पोल्स ताले पृथ्वी रा सेंटर पॉइंट रु पोल ता कम डिस्टेंस हबो ग्राविटेशन ता अधिका पड़िबो जिंस ता अधिका ओजन हबो इक्वेटर ता एटा आउ देखे तमन रखिबो जे सेंटर ऑफ द अर्थ रे ग्राविटेशन ता आउची जीरो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता राइट तब रे आसीबा नंबर 7 व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द पोल कंपेयर टू द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ इक्वेटर सिंपल क्वेश्चन कहि के आसीले कहि त म कोन पूरा जो जो क्वेश्चन पढ़े सेती क्वेश्चन म रहिछ गोटे क्वेश्चन परीक्षा रे पढ़े व्हाट विल द वेट ऑफ द बॉडी गोटे बॉडी रा वेट टा ऑन द पोल पोल ऊपर बॉडी रा छि पोल माने मेरु मेरु बॉडी रा छि ताको आमी ओजन करिबा आकु कंपेयर करिबा का संगे रे कंपेयर टू द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ इक्वेटर इक्वेटर ऊपर जो बॉडी रा छि ता संगे रे ताको आमी कंपेयर करिबा ए विषय कहि आसिली सीटा होछि आंसर ऑप्शन द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द पोल्स कहिल तमको विल बी ग्रेटर सब बेले मन रखिबो बॉडी जोठी भी ताऊ ता मास इक्वल केवल ग्राविटेशन ऊपर वेट ता डिपेंड करूची काई वेट इज इक्वल टू एमजी मास इनटू ग्राविटेशन बुझियो छी तमने कोन कहला द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द पोल्स विल बी ग्रेटर देन इट्स वेट ऑन द इक्वेटर तने पोल्स रे वेट ता अधिक आबे डिस्कशन करिके छी तबरे आसीबे नंबर 8 हाउ मेनी टाइम्स द वेट ऑन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज ऑन द मून ठीक है देखिबो क्वेश्चन ता भूल भाल मार दो ठीक कथा ता मु कहू छी बुझियो क्वेश्चन ता को बुझी के आंसर दबो से कहू छी हाउ मेनी टाइम्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट उटे ऑब्जेक्ट ता केते गुण हबो कोठी हबो ऑन द अर्थ पृथ्वी ऊपर हबो केते गुण हबो पृथ्वी ऊपर हबो इज ऑन द मून मून रे जो बॉडी ता गुटे मून रे गुटे बॉडी थिला ताको जदी अर्थ को आइले से केते गुण हबो क्वेश्चन ता को बुझिबो ठीक रे माने 1/6 मार दबो बुझियो छी तमे रेडी कर लबो 6 टाइम्स राइट तमे आसीबा नंबर 9 वैल्यू ऑफ जी ए विषय रे मु डिस्कशन हे के आसैलनी खाली आंसर ता कहू छी परीक्षा रे क्वेश्चन ता पड़े भूल भाल मार दबनी डिक्रीजेस ए ऑप्शन ए अछि डिक्रीजेस व्हेन मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ कहि के छै अ सेंटर ऑफ द अर्थ रे तर माने ग्राविटेशनल फोर्स ता केते जीरो मन रखियो तब आसीबा नंबर 10 व्हिच कंडीशन डस द बॉडी अकर ड्यूरिंग फ्री फॉल आगे वाट तक बुझिबो फ्री फॉल माने को फ्री फॉल माने से फ्रीली पड़ुची माने ता ऊपर ग्राविटेशनल फोर्स काम करू नाही बा से पड़िला बेले अन्य कोनोसी ऑब्स्ट्रक्शन ता आगे नाही सही वाट ता को आमे कहिबा फ्री फॉल बुझियो जे लडा को उला बॉडी टाकु वैक्यूम रे पकेबा फ्री फॉल हे परबो जदि ग्राविटेशनल फोर्स ता परे काम करू छौ बुझियो छी त क्वेश्चन दिला को व्हिच कंडीशन डस द बॉडी अकर ड्यूरिंग फ्री फॉल उटा बॉडी जदि विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन रे पड़ुची त से कंडीशन रे को आमे कोन कहिबा बुझियो छी कथा ताको आमे वेटलेस बोली कहिबा जो ऑप्शन ए रे अछि एडी कथा ठीक सुनिबा आउ ठीक छोट कथा कहू छी जेतबेले उटे बॉडी फ्रीली फॉल होउ छी सेतबेले ता परे ग्राविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन अछि बुझियो छी किंतु तार जो जो वेटलेसनेस रहि छी कोटी सेंटर ऑफ द अर्थ हमर कोन होइ छी जिंस ग्राविटेशन जीरो तमन सेदी कोन हबो सेंटर कोन हबो वेटलेसनेस रहिबो तमन सेही पॉइंट क्वाई छी आंसर ता होइ छी वेटलेस ने बुझियो छी कथा तब रे आसीबा नंबर 11 द वैल्यू ऑफ जी सही क्वेश्चन खाली भूल भाल कर दो वो क्वेश्चन देखि द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस विथ द जे वैल्यू ऑफ जी ता इंक्रीजेस विथ द डी रे ऑप्शन ता अछि डिक्रीज इन हाइट कहि आसी से बिषय हाइट ता कम हेले जी ता अधिक हाबो हां तब रे आसीबा नंबर 12 व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल से कथा क्वेश्चन नंबर डाइट करता म गोटे पोल कथा कहि दिले से कोजी नॉर्थ पोल को जीवो साउथ पोल को जीवो इट्स वेट ऑब्वियसली इट्स वेट इज कोन होला इंक्रीजेस देखो ऑप्शन सी
ইনক্রিজেস বুঝি কথা এটা কথা মনে রাখব ফর্মাটটি মনে রাখি যাব যে স্মল জিটা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার বা এমনি তুমি কইপার স্মল জিটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু আর স্কোয়ার এমনি কাজ বুঝি হচ্ছে এটি ফর্মাটা মনে রাখি কত কিন্তু কোশ্চেন পরীক্ষার পড়ি নম্বর থার্টিন হোয়ার ইজ দ মিনিমম ওয়েট অফ এ বডি কইকি আসলে বিষয়ে মু ইকুয়েটর কিন্তু ইকুয়েটরটা হচ্ছে সেন্টরটার সবুঠু অধিকা দূরত্ব তেমন সেটি গ্রাভিটেশনটা কম পড়ব তা মানে সেটি ওজনটা মিনিমম হব তাপরে নম্বর ফোরটিন হোয়াট ইজ দ ফোর্স অফ গ্রাভিটেশনাল এক্সর্টেড অন এন অবজেক্ট তা মানে সে কৌচি গোটে অবজেক্ট উপরে গ্রাভিটেশনাল ফোর্সটা হোয়াট ইজ দ ফোর্স অফ গ্রাভিটেশনাল কোন প্রকার ফোর্স এটি এক্সর্ট হুয়ে পড়ে বুঝুছি অপশন দিয়েছি কোন স্ট্রেস ইনর্সিয়া ওয়েট ওয়ার্ক আনসর দেখা হচ্ছে আনসার এটি এটি আনসার কোণ হব ওয়েট সরি হ্যাঁ আনসার কোণ হব ওয়েট মনে রাখব ডব্লু ইজ ইকুয়াল টু এম জি এমটা হচ্ছে মাস অফ দি বডি জিটা হচ্ছে আমার গ্রাভিটেশনাল ফোর্স অফ আক্সিলারেশন আউ এটি স্মল জিটা বি টিকে মনে রাখিথিব পরীক্ষার কোশ্চেনটা পড়ে যে স্মল জি ইজ ইকুয়াল টু 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা হচ্ছে গ্রাভিটেশনাল ফোর্স আর্থ হ্যাঁ তারপরে আসি না নম্বর ফিফটিন অ্যাপ্রক্সিমেট এসকে ভেলোসিটি অন দি সারফেস অফ দি আর্থ আগে বুঝবা এসকে ভেলোসিটি কম মনে করো আমি গোটে পথরটাকে ফোপাড়ি দেবু পথরটা ভালো করছি তার পথরটা যখন ফোপাড়ুছু সে পথর গোটে ফোর্স আমি অ্যাপ্লাই করছু সে ফোর্সটা কোণ করছি পথরটাকে ঠেল ঠেলিকা নেই যাচ্ছি সেতবে কোণ হচ্ছে না গ্রাভিটেশনাল ফোর্স সেই পথরটাকে বি তলুকু টানুছি কিন্তু সে পথরটা গোটে এমনি জায়গায় পৌঁছি যাব যেটি কি গ্রাভিটেশনাল ফোর্স আমি যে ফোর্সটা সে পথর উপরে দেইছু সেটা ইকুয়াল হয়ে যাব যেতবে ইকুয়াল হয়ে যাব সেটু পথরটা উপরক যাই পারি তলুকু গড়ে পড়ব কথাটা কিন্তু এসকে ভেলোসিটি কোণ গোটে পথরটা বা গোটে জিনিসটা আমি এমনি কিছু স্পিডে ফোপাড়ি দেবা সে পৃথিবীর আটমসফিয়ার বাহারক পড়াইব আর পৃথিবীকে ফেরিকি আসব বুঝেছি কথাটা সেইটা আমি কহিলে এসকে ভেলোসিটি মনে রাখব কথাটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনটা আর্থর এসকে ভেলোসিটি হচ্ছে মনে রাখব 11.2 কিলোমিটার পর সেকেন্ড এটা হচ্ছে বি অপশনটা ইয়ার মানে কোণ হল টিকে বুঝ গোটে সেকেন্ডে 11.2 কিলোমিটার স্পিডে আমি যদি গোটে পথরকে ফোপাড়ি দেবা সে পথর আর্থকু রিটর্ন আসবনি আটমসফিয়ার বাহারক পড়াইব বুঝি হল এসকে ভেলোসিটি অর্থ কোণ এটি মনে রাখি দুইটা কোশ্চেন আছে পরীক্ষার পড়ে মুন্র এসকে ভেলোসিটি হচ্ছে 2.4 কিলোমিটার পর সেকেন্ড মনে রাখব কথাটা সনর এসকে ভেলোসিটি হচ্ছে 614 কিলোমিটার পর সেকেন্ড মনে রাখব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন পরীক্ষার পড়ে ভেনসর এসকে ভেলোসিটি হচ্ছে 10.36 কিলোমিটার পর সেকেন্ড সেমিতি মাসর এসকে ভেলোসিটি হচ্ছে 5.03 কিলোমিটার পর সেকেন্ড হ্যাঁ কথাটা মনে রাখব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আসো ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিও লাইক ইট শেয়ার ইট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব ইট থ্যাংক ইউ